और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बोइंग के इंजीनियर्स ने दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेन डिजाइन किया और समय के साथ साथ इस प्लेन में काफी सारे बदलाव भी किया गया ताकि आधुनिक समय के अनुसार ये ढल सके। हम बात कर रहे हैं बोइंग 737 की, जिसने बोइंग कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और फिर एक गलती ने बोइंग को वापस जमीन पर गिरा दिया। साल 2011 बोइंग ने यह डिसाइड किया कि 737 में कुछ नया अपडेट लाते हैं। अब क्योंकि बोइंग 737 में ऑलरेडी बहुत बार अपडेट हो चुका था, इसीलिए अब कुछ खास बचा नहीं था इस प्लेन में अपडेट करने के लिए। फिर बोइंग के इंजीनियर्स ने देखा कि इस प्लेन में और क्या क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है ताकि और भी अधिक से अधिक प्रॉफिट हो सके, और फाइनली प्लेन के इंजन को बदलने का डिसीजन लिया गया। इंजन को अपडेट करते समय इसे थोड़ा सा आगे और ऊपर की ओर इंस्टॉल किया गया, और जैसा कि हम जानते हैं 1971 में जब बोइंग का मॉडिफिकेशन हो रहा था उस समय भी इंजन को आगे और ऊपर की ओर इंस्टॉल किया गया था, और अब फिर से उसी प्रोसेस को दोहराया जा रहा था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। फ्लाइट के दौरान एयर फ्लो नॉर्मल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से स्टॉल कंडीशन में जाने का खतरा बढ़ गया, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम था। नाउ स्टॉलिंग क्या होता है इसे भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, जब प्लेन टेक ऑफ करता है तब प्लेन का नोज ऊपर और टेल नीचे होता है, और एयर विंग्स पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से प्लेन को लिफ्ट मिलता है। लेकिन अगर प्लेन का नोज जरूरत से ज्यादा ऊपर हो जाए तो यही प्रेशर डिफरेंस प्लेन को अनबैलेंस कर देगा और प्लेन को लिफ्ट होने से रोक देगा। ऐसे में प्लेन हाई स्पीड से नीचे की ओर गिरने लगेगा, और ऐसे कंडीशन को कहा जाता है स्टॉल। बोइंग 737 मैक्स में इंजन के इंस्टॉलेशन के बाद स्टॉल का खतरा मंडराने लगा। अब इस प्लेन में ऐसे टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो प्लेन के नोज को ऊपर जाने से रोक सके, यानी कि स्टॉल कंडीशन से बचा सके, और इसके लिए इंजीनियर्स ने इंट्रोड्यूस किया MKS कंट्रोल सिस्टम को, जो एंगल ऑफ अटैक सेंसर से इंफॉर्मेशन लेता था। पर कैसे, आइए समझते हैं। MKS ऑटो पायलट के जैसा ही एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो प्लेन को कंट्रोल कर सकता है, वो भी ऑटोमेटिकली, यानी कि ये सिस्टम किसी से भी परमिशन नहीं लेता। अगर प्लेन का नोज ऊपर हो गया हो तो ये ऑटोमेटिकली अपना काम करना शुरू कर देगा। पर एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि इस कंप्यूटर प्रोग्राम को कैसे पता चलता है कि नोज ऊपर जा रहा है। वेल, यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है जो प्लेन और एयर के मूवमेंट से ये पता लगा लेता है कि प्लेन का नोज ऊपर है या नहीं। अब क्योंकि MKS एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसीलिए बोइंग ने MKS के लिए कोई भी ट्रेनिंग के बारे में अपग्रेडिंग मैनुअल में मेंशन नहीं किया था। आईपैड में 50 मिनट का कोर्स दे दिया गया जिसे बस पायलट को पढ़ना था। अब तक दुनिया के सारे पायलट्स इस नए MKS सिस्टम से अनजान थे। MKS के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं था सिवाय बोइंग के। सभी एयरलाइन कंपनीज को बस ये पता था कि ये प्लेन आज के दौर के आधुनिक और मॉडिफाइड प्लेन है, और इसके इंजन का फ्यूल इफिशियंसी भी बहुत अधिक है। इट मीन्स ये प्लेन एयरलाइन कंपनीज को काफी सारा प्रॉफिट देने वाला था। देखते ही देखते ये प्लेन दुनिया भर में छा गया, और फिर सन 2018 में इस प्लेन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। 29 अक्टूबर 2018 लाइन एयरलाइन JT610 जकार्ता के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 189 पैसेंजर्स को लेकर उड़ान भरा, और ठीक 12 मिनट बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्लेन का नोज 40 डिग्री नीचे झुक गया और प्लेन हाई स्पीड से नीचे की ओर गिरने लगा। महज कुछ ही सेकंड्स में यह समुद्र से टकरा गया। इस घटना के छानबीन के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि इस प्लेन में MKS नाम का एक कंट्रोल सिस्टम भी था जिसके बारे में दुनिया के सभी पायलट्स अनजान थे। प्लेन का सेंसर ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा था कि प्लेन स्टॉल कंडीशन में आ चुका है, जबकि ये प्लेन अब भी नॉर्मल कंडीशन में ही था। अब क्योंकि MKS एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ही फॉलो करता है, इसीलिए इसने प्लेन के नोज को डाउन कर दिया और प्लेन हाई स्पीड से नीचे की ओर गिरता चला गया। इस घटना के बाद बोइंग ने कहा कि हमने MKS सिस्टम को प्लेन में इंस्टॉल किया था। बोइंग के इस स्टेटमेंट के बाद पायलट्स को MKS के ट्रेनिंग भी दिया जाने लगा, और फिर इस खबर को भुला दिया गया। घटना के लगभग 5 महीने बाद इथोपियन एयरलाइन 10 मार्च 2019 को 157 पैसेंजर्स को लेकर उड़ान भरा,
और ये प्लेन भी उड़ान के कुछ ही मिनट्स बाद ठीक उसी तरीके से क्रैश हो गया जैसा कि लायन एयरलाइन JT610 के साथ हुआ था। दोनों एक ही मॉडल का प्लेन था। इन दोनों प्लेन क्रैश के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इथोपियन के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साबित हो गया कि दोनों प्लेन एक ही कारण से क्रैश हुआ था और वो कारण था खराब सेंसर और उस सेंसर को फॉलो करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम MKS। महज 5 महीने के अंतराल में 2 प्लेन क्रैश होने के बाद इसे सीरियसली लिया गया क्योंकि लायन एयरलाइन के वक्त तो MKS के बारे में किसी को भी नॉलेज नहीं था पर इथोपियन के साथ तो ये 5 महीने बाद ये घटना हुआ। फिर क्यों पायलट प्लेन को बचा नहीं पाया? वेल, इस सवाल का जवाब हमने 5 महीने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था। लायन एयरलाइन के केस स्टडी के दौरान कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हमने ये पाया कि MKS के खराबी होने के बाद पायलट्स के पास महज कुछ ही सेकंड्स का वक्त होता है और इतने कम समय में कोई भी इंसान MKS को बंद या फिर प्लेन को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। ठीक 5 महीने बाद मेरी कही हुई भविष्यवाणी सच साबित हो गया। इथोपियन के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आया कि MKS प्लेन को अनबैलेंस करने में सिर्फ 5 सेकंड ही लगाता है, यानी कि पायलट के पास सिर्फ 5 सेकंड का ही वक्त होता है इसे रोकने के लिए। और इतने कम समय में पायलट क्या कर सकता था ये आप खुद ही समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बोइंग 737 के लॉन्च के बाद बोइंग ने ये कहा था कि पायलट्स को किसी भी तरह की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बोइंग ने MKS सिस्टम को कहीं भी मेंशन नहीं किया था और इतनी सारी गलती करने के बाद भी बोइंग पायलट्स को ही ब्लेम कर रहा था कि इस MKS सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हादसा पायलट की गलती की वजह से हुआ है, पायलट्स ने ठीक से चेकलिस्ट को देखा नहीं होगा। पर बोइंग ने इस बात का कभी भी खुलासा नहीं किया कि MKS पायलट को सिर्फ 5 सेकंड का ही वक्त देता है। इतने सारे लापरवाही के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के रूल के खिलाफ था और ऐसा करना किसी क्राइम से कम नहीं है। आमतौर पर प्लेन क्रैश को बेहद बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ये पता लगाने के लिए नहीं कि इसके पीछे दोषी कौन है बल्कि ये पता लगाने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ था ताकि इन फ्यूचर ऐसी गलती दोबारा ना हो सके। पर बोइंग 737 मैक्स का केस थोड़ा डिफरेंट हो चला था इसीलिए इस केस को FBI को भी सौंप दिया गया। FBI ने यह खुलासा किया कि प्लेन के सेंसर की खराबी का कंप्लेन पूरी दुनिया भर में 200 से भी अधिक बार किया गया पर बोइंग ने इस बात को कभी भी पब्लिक नहीं किया। इसके साथ साथ एक और राज का खुलासा हुआ जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के रूल का उल्लंघन कर रहा था। दोस्तों, फेडरल एविएशन ने एक रूल बनाया था जिसके अनुसार प्लेन का एक मेजर कंट्रोल किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नहीं दिया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऑटो पायलट को ही ले लेते हैं। किसी भी प्लेन में एक सिंगल ऑटो पायलट नहीं होता है क्योंकि ऑटो पायलट के पास ये कमांड होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में प्लेन को मोड़ सकता है। अगर ऑटो पायलट में वायरस आ जाए तो ये प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ के प्लेन को क्रैश भी करा सकता है। इसीलिए प्लेन्स में कम से कम 2 ऑटो पायलट का होना जरूरी है और ये एक रूल है। अगर एक ऑटो पायलट वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो दूसरा ऑटो पायलट प्लेन को गलत दिशा में जाने से रोक देगा और एक बड़ा हादसा टल जाएगा। देखा जाए तो MKS भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो प्लेन को कंट्रोल करके इसके दिशा में परिवर्तन कर सकता है पर अफसोस ये सिस्टम एक सिंगल सेंसर के भरोसे था। अगर बोइंग ने 2 सेंसर लगाया होता तो एक सेंसर अगर खराब भी हो जाता तो दूसरा सेंसर प्लेन को सही इंफॉर्मेशन देके प्लेन को क्रैश होने से बचा सकता था पर बोइंग ने ऐसा नहीं किया। उसने एक सिंगल सेंसर का यूज किया और उसी सेंसर के भरोसे प्लेन का पूरा कमांड सौंप दिया और ऐसा करना इलीगल काम है इसीलिए बोइंग पर केस भी दर्ज किया गया है और अब इस प्लेन को पूरी दुनिया में ग्राउंडेड कर दिया गया है। अब यहाँ पर बोइंग तरह तरह की बातें कर रहा है कि हम सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। खैर, बोइंग चाहे कुछ भी कर ले अब लोगों का भरोसा जीत पाना काफी मुश्किल है और मुझे नहीं लगता इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आप बोइंग 737 मैक्स में बैठना पसंद करेंगे। तो इस तरह से बर्बाद हुआ बोइंग का सबसे बेहतरीन प्लेन बोइंग 737 मैक्स।